हेलो फिक्स्ड है, हाउ आर यू स्टडिंग वेल? होप यू ऑल आर स्टडिंग एंड विजिटिंग ऑल द वीडियोस रेगुलरली. लेट अस गो ऑन विद इंग्लिश, दैट इज विद फर्स्ट यूनिट ओनली. इन अवर फर्स्ट यूनिट वी हैव थर्ड टॉपिक, दैट इज बैम्बू करी. ओके, इट इज स्मॉल एंड वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी about bamboo curry. Let us go through it and see कि क्या सच में bamboos की कड़ी बनती है. Bamboos, what is bamboo? That is a long long sticks that is used to make door or it is used to make so many other furniture material. Okay, let us begin with have you ever eaten a dish made of bamboo? Let's read this picture story and find out which part of bamboo can be cooked and eat. See, bamboo का कुछ dish नहीं बनता वो पता है, but ये lesson read करके we will come to know about कि bamboo का कौन सा part cook किया जा सकता है और we can eat it as our food. Okay? Now, let us go through point-wise point. There are total 10 points. Let us go on. One day, the mother-in-law of a central bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. We can tell here, Santhal, jo tha wo bridegroom, that is, jo mother-in-law ka, that is, we can tell, uski beti ka husband. Okay? उसकी बेटी का हस्बैंड था तो उसके लिए उसने स्पेशल डिश कुक की एंड दिस कड़ी रियली इज डिलीशियस. व्हाट इज इट? द मदर इन लॉ पॉइंटेड आउट द बैम्बू डोर. सो जब सेंथल ने वो डिश खाई ही फेल्ट इट टू टेस्टी, सो ही आस्क्ड के व्हाट इट इज, ये किसका मतलब किसकी किस चीज़ की कड़ी बनाई है. तो मदर इन लॉ ने डोर की तरफ पॉइंट आउट किया तो डोर वॉज ऑफ बैम्बू. ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग जब एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेम्बर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज. तो दूसरी सुबह जब वो अपने मदर इन लॉ के घर से जाने लगा, मदर इन लॉ वी कैन टेल सास. ओके, सो जब वो अपनी सास के घर से जाने लगा तो जाते जाते उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि हमारे गांव में तो बैम्बू ही नहीं है, तो व्हाई नॉट टू टेक बैम्बू फ्रॉम हियर. ओके, सो ही रिमूव द डोर, बैम्बू डोर, एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम. तो उसने क्या किया, उसने बैम्बू का पूरा डोर उखाड़ लिया और वो डोर को लेकर अपने घर चला गया. ओके, ऑन रीचिंग हिज विलेज He told his wife, make curry with this bamboo door. तो वो जैसे ही घर पहुँचा उसने अपनी वाइफ को बोला कि make curry, इस bamboo की curry बनाओ. Okay? Now she was shocked. How can I make curry out of the bamboo door? तो वो शॉक में थी कि मैं bamboo door में से curry कैसे बनाऊँ. Okay? It is door after all. It is very hard material. Come, I will help you. By chopping up the bamboo, he said. उसने बोला मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपको बैम्बूज कट करके दूंगा और आप उसको बॉयल कीजिए, कुक कीजिए. His wife boiled it and boiled it. Later when her husband tasted it, he said, it is too hard to eat. You don't know how to cook. तो उसने चूल्हा पर वो कढ़ी बनाना शुरू किया, उसने बैम्बूज को बॉयल किया, बॉयल किया, बॉयल किया, एंड देन व्हेन संथाल एट इट, टेस्टेड इट, तो इट वॉज टू हार्ड. तो इतना हार्ड था कि खाया ही नहीं गया. तो ही वॉज जस्ट आस्किंग हर कि आपको कुक करना नहीं आता ये कड़ी. हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉयल्ड इट एंड बॉयल्ड इट. उसकी वाइफ ने और ज़्यादा पानी डाल दिया और फिर बॉयल करना शुरू कर दिया. It's still too hard. I can't eat it. तो उसने बोला ये अभी भी बहुत हार्ड है, मैं अभी भी ये खा नहीं सकता. The in-laws came to visit the young couple that evening. They all laughed at his foolishness. The mother-in-law said,
Didn't you know the curry was made up of bamboo shoot, not from bamboo door? तो मदर इन लॉ जब उनके घर विजिट करने आए तो दे सॉ कि दे आर ट्राइंग टू मेक करी फ्रॉम बैम्बू डोर. सो दे स्टार्टेड लाफिंग एंड मदर इन लॉ सेड कि आपको नहीं पता कि करी बैम्बू डोर की नहीं बैम्बू शूट की बनती है. ओके नाउ व्हाट इज बैम्बू शूट? बैम्बू शूट इज लाइक यू नो बिगिनिंग ऑफ बैम्बू. ओके जब धरती में से वो बैम्बू उगना शुरू होता है, धरती में से बैम्बू थोड़ा सा बाहर निकलता है, फिर वो बड़ा 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 होता है. सो वो बिगिनिंग में जो बैम्बू होता है इट इज़ यू नो वेरी सॉफ्ट, वो बहुत सॉफ्ट होता है. एंड इट इज़ सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट इजीली, इट कैन बी कुक्ड इजीली एज वन टाइप ऑफ डिश. ओके सो मदर इन लॉ ने बताया कि बैम्बू शूट से कड़ी बनाई जाती है, ना कि बैम्बू डोर से. ओके सो दैट वॉज योर टॉपिक. इंटरेस्टिंग ना, हमें भी नहीं पता था कि बैम्बू शूट से भी मतलब कुछ खाने की वैरायटी बन सकती है, राइट? ओके इन दिस लेसन यू आर हैविंग सर्टेन कंप्लीट द सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स दैट इज हियर. ओके डू वन थिंग, आई विल गिव यू पीडीएफ ऑफ बोथ ऑफ दिस. इन योर नोटबुक पुट हैडिंग बैम्बू करी. ओके पुट हैडिंग बैम्बू करी एंड जस्ट नोट डाउन बोथ ऑफ दीज क्वेश्चन इन योर नोटबुक. राइट आंसर इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो बट कॉपी डाउन दीज बोथ क्वेश्चन इन योर नोटबुक एज वेल. ओके एवरी वन एंड आई विल नॉट गिव यू एनी क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दिस लेसन. आई ओनली वर्क विद दीज टू एक्सरसाइजेस. ओके ना सो कंटिन्यू स्टडी एंड टेक केयर एवरी वन. Bye-bye.